स्टूडेंट्स देखो, अभी MST CET आ ही रही है, उसके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रहे हैं। वैसे हमारे बाकी वीडियो तो बने हुए हैं ही और बन रहे हैं डिटेल में, जिसमें तुमको प्रॉब्लम नोट्स और थ्योरी पूरी अच्छे तरह से समझाई हुई है। वो तो खैर आगे के स्टूडेंट्स के लिए काम में आएंगी, या जो 11वीं में है, 12वीं में है, अभी जिनके आगे एग्ज़ाम है, या इवन 9th-10th में भी कई जगह ये चैप्टर्स मैथ्स के काम में आते हैं, तो उनके लिए तो वो हमारी पूरी सीरीज चल रही है। खंडेलवाल मैथ्स एकेडमी अमरावती पुणे सर्च करो और देखो, तो तुमको बहुत मज़ा आएगा और बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन MST CET जो अभी हो रही है 12 अक्टूबर से, उसके लिए जैसे मैंने स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बनाया था कि क्या करना अब लास्ट मोमेंट पे, तो उसमें मैंने कहा कि बेसिक कॉन्सेप्ट जमा करो बुक में और वही पढ़ना है आखिरी में। तो उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बड़े चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए देने जा रहा हूँ, तो इसका भी तुम फ़ायदा उठाओ ज़्यादा से ज़्यादा। इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उठाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। वैसे कमेंट्स आ रहे हैं, यानी हमने जब ये किया और जो बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। अब कुछ कुछ कमेंट्स तो बड़े मज़ेदार आते हैं, बहुत अच्छे तो कमेंट्स आ ही रहे। एक ने तो लिखा, सर क्या पढ़ाते हो। अब मेरी ये समझ में नहीं आया कि वो बुराई कर रहा है कि बढ़ाई कर रहा है, क्योंकि देखो शब्द है क्या पढ़ाते हो। अब इसको दो तरह से पढ़ो, क्या पढ़ाते हो ऐसा अगर रहा, अगर उसका ये उद्देश्य होगा तो भाई तुम बहुत ही गलत बेकार पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर ऐसा बोला क्या पढ़ाते हो, देखो वही शब्द को बोलने की स्टाइल, क्या पढ़ाते हो, यानी वो तारीफ कर रहा है। तो देखो इस बोलने की स्टाइल में बुराई भी होती है बढ़ाई भी होती है, तो ऐसे ही मॉड्यूलेशन का महत्व इसमें रहता है। तो वैसे पढ़ाई में भी मॉड्यूलेशन का महत्व होता है, हम कौन सी चीज़ पर जोर दे रहा है, कौन सी चीज़ को थोड़ा कम कर रहे हैं। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल की हमारी बातचीत चल रही थी, पिछले 4 वीडियो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल के बनाए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन कैसे करना, उसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का उपयोग कैसे किया जाता उसमें, और पॉलीनोमियल अपॉन पॉलीनोमियल का इंटीग्रल कैसे करते, ये सब चीज़ें बताइए। नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखो, वो स्टार्टिंग है इंडेफिनिट इंटीग्रल की। लीनियर फैक्टर के फंक्शन का इंटीग्रल वो कैसे करते हैं, वो भी सब बताया हमने। अब इंटीग्रेशन में बहुत बड़ी तकनीक, बहुत बड़ी टेक्निक है सब्स्टिट्यूशन करना। अब तुमने देखा होगा मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, कभी इसकी जगह टी, कभी उसकी जगह टी, कभी इसकी जगह टी, ऐसा रखते ना तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होता। तो वो क्या है, हालांकि वो भी बात बताई हुई है पिछले वीडियो में, इसके वीडियो जो मैंने बनाया उसमें बताई है, और एक बार जरा याद ताज़ा कर लो। ये 3 चीज़ें तुम मेन रखो, ऐसा विजन रखो क्लियर, तो तुमको बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमारे पास लिस्ट में ऐसा रहता है, किसी f फंक्शन का इंटीग्रल g फंक्शन है, f के अंदर x है, ये f फंक्शन के अंदर x फंक्शन है, x वेरिएबल है, और इसका इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है, आंसर जी ऑफ एक्स प्लस सी, ये लिस्ट में है हमारे पास, ऐसी लिस्ट बनी हुई रहती, एफ का इंटीग्रल जी, इसका इंटीग्रल ये, इसका इंटीग्रल वो, ऐसी लिस्ट बनी हुई रहती। इसको मैं कहूंगा जाना पहचाना फंक्शन या जानी पहचानी डिजाइन। मैं जब भी ऐसा बोलूं जाना पहचाना फंक्शन या जानी पहचानी डिजाइन, तो समझ जाना कि जिसका हमको आंसर आता है, जिसका इंटीग्रल हमको आता है। इस जानी पहचानी डिजाइन के अंदर अगर सिर्फ एक्स है और इंटीग्रल भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ये दोनों सेम है, तो बस आंसर ही आ जाएगा, फिनिश। ये तो फार्मूला है ही हमारे पास, लिस्ट में ये फार्मूला रहते ही, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रल टैन, ऐसा 1/√1 − x² का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स, 1/√1 + x² का इंटीग्रल टैन इनवर्स एक्स, e^x का इंटीग्रल e^x। तो ये सब जानी पहचानी डिजाइन है, इसके अंदर एक्स है, आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें हम दो चीजें मिक्स कर देते हैं, समझो ये ऐसा रहा, जानी पहचानी डिजाइन है, जाना पहचाना फंक्शन है, इसका इंटीग्रल हमको आता है, लिस्ट में है, लेकिन
अंदर एक्स की जगह कोई लीनियर फैक्टर बैठा है ए एक्स प्लस बी, और हमको ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर फैक्टर अगर यहाँ नहीं होता, इसकी जगह अगर एक्स होता तो हम ये फार्मूला लगा सकते थे। यानी हमारी ये इच्छा है कि इस लीनियर फैक्टर को एक्स जैसा समझने की परमिशन मिल जाए। हाँ, तो मैंने पहले भी कहा था मिलेगी, पर ये परमिशन निकालने के लिए तुमको रिश्वत देना पड़ेगा। कितनी रिश्वत देना है? एक्स के बाजू का जो नंबर है, एक्स के का जो कोएफिशिएंट है, एक्स के पीछे का जो नंबर है, बस उतनी रिश्वत दे दो, और वो भी नीचे से दो, टेबल के नीचे से, वन अपॉन ए, ए नहीं वन अपॉन ए, नीचे से दो। जैसे ही तुमने ये रिश्वत दी, ये ए नंबर नीचे रखा, एक्स के बाजू का नंबर नीचे रखा, जाओ इस लीनियर फैक्टर को एक्स जैसा समझ कर फार्मूला ठोक दो, इंटीग्रेशन का फार्मूला ठोक दो, इस एफ का जो भी इंटीग्रल है वो लिख दो। ये आ गया आंसर, ये लीनियर फैक्टर का फंक्शन, या किसी जानी पहचानी फंक्शन के अंदर, किसी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर लीनियर फैक्टर रहा, एक्स की जगह लीनियर फैक्टर रहा, उसका इंटीग्रल करना है। तो बस प्रॉब्लम को देख लो, विजन क्लियर रखो, लीनियर फैक्टर को पहचानो, उसको आंखों आंखों से गोला गोला मारो, और उसमें एक्स के पीछे का जो नंबर है वो रिश्वत में दो, और फिर उस लीनियर फैक्टर को एक्स जैसा समझ कर इंटीग्रेशन का फार्मूला ठोक दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो नज़र कैसे डेवलप करना, मान लो ऐसा है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 7x माइनस 4 का स्क्वायर, मान लो ऐसा इसका इंटीग्रल करना है। ध्यान से देखो ये लीनियर फैक्टर दिखा, इसमें x के पीछे 7। अब अभी मैं बहुत ध्यान से आराम से बता रहा, प्रैक्टिस होने के बाद तुम्हारा दिमाग बहुत जल्दी जल्दी चलता। हाँ, ये लीनियर फैक्टर, इसमें एक्स के पीछे 7, रिश्वत दे दिया 1 अपॉन 7। जैसे रिश्वत दिए, इसको एक्स जैसा समझ लिए, इसको एक्स जैसा समझ लिए, तो ये बन गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x2, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स हो गया। और देख लो, मान लो ऐसा है, ये लीनियर फैक्टर, इसमें एक्स के पीछे -5, रिश्वत दे दिया 1 अपॉन -5, जैसे रिश्वत दिया इसको एक्स जैसा समझ लो, जैसे इसको एक्स जैसा समझ लिए 1 अपॉन 1 प्लस x2, 1 अपॉन 1 प्लस x2 का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स। और देख लो, ये लीनियर फैक्टर, इसमें एक्स के पीछे 11 1 अपॉन 11, जैसे रिश्वत दिए इसको एक्स जैसा समझ लो, और एक्स जैसा समझा तो x³ का इंटीग्रल 1 ज्यादा अपॉन 1 ज्यादा 11x-8⁴। ये जो वाक्य, यहां से यहां लिखना सीधा ही है, पर यहां से यहां पहुंचने के लिए जो दिमाग में वाक्य घूमना चाहिए वो ऐसा घुमाया करो। डिजाइन देखो, लीनियर फैक्टर, एक्स के पीछे जो नंबर है वो रिश्वत में दो, जैसे रिश्वत दिए उसको एक्स जैसा समझ लिए, जैसे एक्स जैसा समझे वो कोई जो भी स्टैंडर्ड लिस्ट में हमारी लिस्ट का इंटीग्रल आ जाएगा वो लगा दो। तो लिस्ट याद है तो इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाना, ठीक है? तो एक बात ये याद रखो, अब ये होगा लीनियर फैक्टर, अगर किसी जानी पहचानी डिजाइन के अंदर लीनियर फैक्टर रहा तो क्या करना, ठीक है? अच्छा, अब समझो ऐसा है, ऐसा होना डिजाइन ऐसी होना, कैसे होना? जानी पहचानी डिजाइन, अपना ये जाना पहचाना फंक्शन या जानी पहचानी डिजाइन, उसके अंदर एक्स की बजाय कोई दूसरा ढेकला आके बैठ गया। लीनियर फैक्टर के लिए तो हमने कर लिया, लीनियर फैक्टर नहीं, उससे कोई ऊंचा और कोई चीज और कोई फंक्शन है, इस जाने पहचाने फंक्शन के अंदर या इस जानी पहचानी डिजाइन के अंदर जिसका फार्मूला हमको मालूम है इंटीग्रल का, उस जानी पहचानी डिजाइन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन बैठा है, एक्स की जगह कोई दूसरा फंक्शन बैठा है मल्टीप्लाइड बाय इस अंदर बैठे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे होना, फाइव डैश एक्स का मतलब होता है फाइव एक्स का डेरिवेटिव, और वो डेरिवेटिव डीएक्स के बाजू में सर्केबल होना, ऐसा होना। यानी इंटीग्रल का डिजाइन जो है जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं वह कैसा होना, एक फंक्शन, एक जाने पहचाने फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वहां पे होना, मल्टीप्लाइड बाय उस अंदर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वहां पे होना, और वो भी कहां होना, सर्केबल,
डीएक्स के बाजू में सर के बल होना, पैर के बल नहीं, नीचे नहीं होना, ये डेरिवेटिव ऊपर होना, डीएक्स के बाजू में आना चाहिए उसने, डीएक्स के बाजू में सर के आ जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन अगर रही, ऐसे का इंटीग्रल हम कर सकते, और उसके लिए क्या करना, इस अंदर फंसे हुए फंक्शन के अंदर, हमारे जाने पहचाने डिजाइन के अंदर जो फंसा हुआ फंक्शन है उसकी जगह टी रख दो, फाइव एक्स की जगह टी रख दो, उस अंदर वाले फंक्शन की जगह टी रख दो। हाँ, फिर डिफरेंशिएटिंग, बस इतना सा भी लिखा तो चलता, इसका डेरिवेटिव करो एक्स से, फाइव डैश एक्स, फाइव एक्स का डेरिवेटिव एक्स से, फाइव डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा हो जाता, यानी ये डी टी हो जाता, यानी ये डी टी हो जाता, ये डेरिवेटिव और डी एक्स मिलकर डी टी बन जाते, एंड ये प्रॉब्लम हो जाएगा एफ ऑफ टी डी टी, एफ ऑफ टी डी टी, है ना, एफ के अंदर टी है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो एफ के अंदर एक्स, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जी एक्स, तो फिर एफ के अंदर टी, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी, ये दोनों सेम है, तो आंसर आ जाएगा जी टी प्लस सी। ये फार्मूला एक्स के लिए है, इसका मतलब एक्स के बाप ने खरीद के नहीं रखा, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल जी एक्स है, इसका मतलब सिर्फ एक्स रहा तो होगा ये, ऐसा नहीं है, यहाँ टी रहा तो भी चलेगा, पर यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होना, जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो साइन टी का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी माइनस कॉस टी, साइन यू का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू यू माइनस कॉस यू, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, बस शर्त ये है कि ये दोनों सेम होना, फिर चाहे एक्स रहे, वाई रहे, टी रहे, यू रहे, वी रहे, तुम रहो, मैं रहूं, कोई भी रहे, एक्स अगर अंदर एक्स है, इंटीग्रल भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आंसर ही आएगा, तो यहाँ अंदर टी है, इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टी है, आंसर जी टी आएगा प्लस सी, एफ का इंटीग्रल जी, है ना, टी की जगह वापस पाए एक्स रख दो, ये टी की जगह वापस पाए एक्स रख दो, तो ऐसे सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक है, बराबर है। तो सुनो, कैसे रखना सब्स्टिट्यूशन, किसकी जगह टी रखना, ये कैसे देखना, प्रॉब्लम को देख के समझ में आना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम तुमको कैसे, ऐसा रेडीमेड नहीं देंगे, ऐसा लॉलीपॉप, ऐसा देख के मिक्सर में घुमा के देंगे, मिला देंगे इनको, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके, ऐसा तुमको दिखेगा ही नहीं। अब वो तो तुम्हारी अकल होना या तुम्हारा विजन होना कि उसको वापस उल्टा घुमा के, जैसा हमने ऐसा घुमा के दिया, तो तुमने वापस घुमा के उसको ऐसा बना लेना। कैसा बना लेना, एक जाने पहचाने फंक्शन के अंदर या जानी पहचानी डिजाइन के अंदर कोई फंक्शन, दूसरा फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव वहां पे होना, तो बस फिर इसकी जगह टी डेरिवेटिव डी एक्स डी टी। अच्छा, डेरिवेटिव पूरा ना होना जरूरी नहीं है, खंडित भी रहा तो चलता, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलता, जैसे मान लो यहाँ एक्स क्यूब है, अब इसका एक्स क्यूब का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर होता, यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, चलता, थ्री का फर्क, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलेगा, वो एडजस्ट हो जाएगा बाद में, फिक्र मत करो, वो कांस्टेंट उधर चले जाता, कांस्टेंट का फर्क रहा तो चलेगा। तो ये है सब्स्टिट्यूशन की मेन टेक्निक। अब एक चीज़ और सुन लो, इसको थोड़ा सा हम जनरलाइज भी कर सकते हैं इंटीग्रेशन में, जैसे मान लो अभी अपने क्या किया था, फाइव एक्स की जगह अगर टी रखा तो डिफरेंशिएटिंग, इसका डेरिवेटिव एक्स से डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ऐसा होता है ना, एक्चुअली ईमानदारी से ऐसा है वो, फाइव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव, इधर वाले टी का डेरिवेटिव टी से वन इंटू डी टी। अब हालांकि ये वन है इसे हम नहीं लिखते, लेकिन एक्चुअली ईमानदारी से ऐसा है, फाइव एक्स इक्वल टू टी, तो फाइव एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो भी होगा फाइव डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का डेरिवेटिव टी से वन इंटू डी टी, ठीक है। इसको जनरल कर दो, इन जनरल अगर मान लो फाइव एक्स इक्वल टू साई टी है, फाइव एक्स इक्वल टू साई टी रखा हमने इंटीग्रेशन में, कोई जरूरी टी रखना चाहिए, कोई बड़ा भी रख सकते हैं हम, फाइव एक्स इक्वल टू साई टी, तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग क्या करना, फाइव एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइव डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू इधर साई टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी साई डैश टी डी टी। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो हमको एक्स क्यूब प्लस फाइव की जगह लॉग वाई रखा, ऐसे ही समझो आपने इंटीग्रेशन में इसकी जगह ये रखना है, हाँ तो बस अब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग, इसका डेरिवेटिव एक्स से करो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव लॉग वाई, वाई का फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव वाई से करो वन अपॉन वाई डी वाई,
इसको बोलते जनरल सब्स्टिट्यूशन। तो इसी का बड़ा रूप है, तो ये ख्याल रखना। जैसे कई बार हम आगे के प्रॉब्लम में करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलो, डिफरेंशिएटिंग, एक्स का डेरिवेटिव एक्स है वन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव थीटा से करो, ए कांस्टेंट बार साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा डी थीटा, ये वन है इसलिए नहीं भी लिखा तो चलता, समझ गए। तो इस प्रकार जनरल सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता, ठीक है, ओके, थैंक यू।